हम लोग बापियों पेट पे पेट पे लात मारा गया है। हम बिहार सरकार को हिला देंगे, चुनाव में इनकी सत्ता को हिला देंगे, इनको एक वोट नहीं आने देंगे। आज पे दाग करेंगे पटना की धरती पे, आप दिखा देंगे हम अतिथि शिक्षक क्या है। जब कलम चला सकते हैं तो लाठियां खाने के सिला में ताकत भी रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, लेकिन एक ही कलम में जो है अतिथि शिक्षक की नौकरी खत्म हो गई। आपको बता दें कि जिस तरह से अतिथि शिक्षक जो है पूरे बिहार से पहुंचे हैं पटना अपनी मांगों को लेकर के, क्या कुछ मांग है और यहाँ पे क्यों अतिथि शिक्षक जो है आज पहुँचे हैं। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, आपको पोस्टर बड़ा बनाने लगा हुआ है, आप क्यों पहुँचे हैं इतने? सर वही दिखाना चाहते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, तो हम बेरोजगार क्यों? जब बिहार की बेटियां हैं, बिहार में पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो आज बेरोजगार का लेटर निकल गया कल ही कि 1 तारीख से अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है विद्यालय में, क्योंकि पदस्थापित हो चुके हैं बीपीएससी से शिक्षक। आज हम बेरोजगार क्यों हैं? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद, पूरा बिहार हमारा परिवार। तो क्या हम बिहार के नहीं हैं? इधर आइए सर, देखिए इसमें लिखा हुआ है हमारा परिवार है बिहार, बिहार हमारा परिवार है। तो क्या हम बिहार के सदस्य नहीं हैं? आज हम उनके परिवार में शामिल नहीं हैं? तो क्या कोई अपने परिवार के बहन बेटियों बेटों को क्या अपने नौकरी से निरस्त करता है, वो भी 6 साल के बाद? 6 साल हमने अपना महत्वपूर्ण समय विद्यालय में दिए और आज हम बेरोजगार हैं। अब हमारे पास उम्र नहीं बचा कि हम फार्म भर सके, बीपीएससी के परीक्षा में भी बैठ सके। हम तैयार हैं ऐसा क्षमता में बैठने के लिए, हमें ऐसा क्षमता में बैठा करके आप देख लीजिए, हम सब पास करेंगे। लेकिन 6 साल पहले हम योग्य थे और आज हम अयोग्य साबित तो हो गए? आज हम इस लायक नहीं हैं कि हम विद्यालय में अपना क्लास ले सके बच्चों का? आज हमको क्यों हटा दिया गया? जिस तरह से कंप्यूटर आईसीटी लैब के इंचार्ज को, इंस्ट्रक्टर को दोबारा विद्यालय में बुलाया गया, उसी तरह से हमारा लेटर निरस्त कराए और हमें इस विद्यालय में पुनः दोबारा बुलाए। देखिए लेटर को गौर से आप लोग, क्या लेटर निकाला गया है, इसमें लिखा गया है साफ साफ हमें अतिथि शिक्षकों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? ऐसे बेहतर तो मर जाना था, जब पेट में निवाला ही नहीं जाएगा तो ऐसे भी एक दिन मर जाना है, तो उसे बेहतर है ना कि आज ही मर जाएं। आचार संहिता में कहा जाता है कि किसी को लाने का निकालने का अधिकार नहीं है, तो यह आचार संहिता लागू था बिहार में, फिर हमें क्यों निकाला गया? हम भी जानना चाहते हैं नीतीश सरकार से कि क्या हम उनके वोटर नहीं हैं? रोजगार यूपी वालों को मिल रहा है, हरियाणा वालों को मिल रहा है, राजस्थान वालों को मिल रहा है, और बिहार के जो बेटा बेटियां हैं उन्हें देखिए ये सब जो है सब बेरोजगार है। आज एक बार आप घुमा करके दिखा दीजिए कितने लोग हैं, सब बेरोजगार है। इस तपती धूप में आज यहाँ रोड में धूल खा रहे हैं। आज हमें बोर्ड पे होना चाहिए अपने क्लास लेने के लिए स्कूल में, और आज हम लोग मैदान में हैं आपके सामने, पटना में लाठी खाए हम लोग बैठ के। एक ही आग्रह किए थे कि नीतीश कुमार महामहिम से हमें मिलने दीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया गया। तो कैसे माई बाप हैं जो अपने बच्चों से नहीं मिलते हैं? हम लोग को रोज पे छोड़ दिया गया और हमें डंडा से मारा गया और निकाल दिया गया कि ये जगह 144 धारा लागू है, यहाँ पे आप लोग प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लोग नहीं आ सकते हैं। तो आचार संहिता में लोगों को निकाला जाएगा नौकरी से। क्या हम ये इंतज़ार करेंगे कि 9 महीने बाद हमें नौकरी पे रखा जाएगा, 3 महीने बाद रखा जाएगा, या आचार संहिता ख़त्म हो जाएगा तब रखा जाएगा? तब तक हमारे बच्चे भूखे रहेंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, वो पढ़ने नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? सर हम बहुत दूर वजीरगंज से आए हैं, गया से होते हुए पटना पहुंचे हैं, सुबह 3 बजे से मेरी बच्ची जगी हुई है और बोल रही है मम्मी इस लेटर का क्या करेंगी आप,
अभी स्कूल नहीं जाना होगा आपका। इससे पहले छह साल पहले हम कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, काम कर रहे थे, हमने अपने जीवन का कीमती समय विद्यालय को दिया है और हमने ये सोचा कि अब हमारा नौकरी जो है परमानेंट हो गया, अब हमें इसी में अच्छे से काम करना है, यहाँ बिहार के बच्चों का भविष्य बनाना है ताकि उनके साथ हमारा भी भविष्य बने। जानते हैं आपको विश्वास नहीं होगा सर, 6 साल में 1 रुपया 1 चमन्नी तक नहीं बढ़ाती थी शिक्षकों का, ना महिलाओं के लिए SL है ना CL है। अगर हमारे घर में कोई परिवार बीमार पड़े ना तो हम स्कूल नहीं जाते तो हमारा वेतन कट जाता है, स्कूल में अगर मूल्यांकन हो रहा है, परीक्षा हो रहा है तो हमारा वेतन कट जाता है, हम उस दिन अपने वेतन के आहुति चढ़ा करके घर में रुकते हैं। तो आप बताइए हम क्या करें सर, हम करेगा? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का उम्र खत्म हो गया है, मतलब बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार, हम प्रचार करना चाहते हैं कि बेरोजगार मतलब नीतीश कुमार हमारे पूरे भारत से यहाँ पर ले आकर टीचर भर दिए, हम लोग 6 साल से काम करते हुए आज 1 अप्रैल से हमको हटा दिया गया। हाँ परिवार है, पूरा परिवार है, लेकिन हम लोग उनका परिवार नीतीश कुमार का परिवार नहीं है। हमारा लड़का लड़की का शादी ब्याह करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अब बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं? आत्मदाह करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 सटाह मुझे लगा है पुलिस के द्वारा, हम लोग जब वहाँ पर गए। तो और मैडम आप कहाँ से आए हैं आप लोग? हम नालंदा जिला से। नालंदा जिला, आप तो मुख्यमंत्री के गृह जिला से हैं, फिर भी आप लोग को हटा दिया। दुर्भाग है, क्या कहें, दुर्भागी है। और उनसे मिलने का प्रयास किए तो हम लोग को खदेड़ खदेड़ के मारा गया है। मुख्यमंत्री जी के पास से आवास पे हम लोग गए थे, शांतिपूर्ण मिलने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोग को मिलाया जाए, लेकिन हम लोग को कुत्ता जानवर की तरह खरीद खरीद के मारा गया। क्या लग रहा है कि आप लोग को जिस तरह से जो है हटाया गया है, आपका एज भी नहीं बच रहा है, क्या करिएगा आगे? अब हम लोग क्या करें, आत्मसंदेह छोड़ कर और तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं? जब 6 वर्षों तक हम लोग काम किए और कोरोना काल में काम किए, जिसमें इमरजेंसी ड्यूटी होता था, नियोजित शिक्षा, क्या करेगा आप लोग को हटा दिया गया है? क्या करेंगे, हम तो जॉब से हम लोग को हटा दिया गया, हम लोग तो सरकार से ही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को जॉब दिया जाए, जॉब में फिर दोबारा हम लोग को लाया जाए। ये लोग का जो है अपनी ज्वाइनिंग की जो है मांगे कर रहे हैं, परीक्षा जो निरस्त करने की जो बातें कर रहे हैं, पूरा परिवार आपका बिहार है। नीतीश कुमार कहते हैं रोजगार मतलब नीतीश सरकार, नीतीश कुमार तो यहाँ है ही नहीं बिहार में, बिहार में तो कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, ये तो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, ये जुमलाबाजियों की सरकार है। अरे हम लोग पापियों पेट पे लात मारा गया है, हम बिहार सरकार को हिला देंगे, चुनाव में इनकी सत्ता को हिला देंगे, इनको एक वोट नहीं आने देंगे, आत्मदाह करेंगे पटना की धरती पे, अब दिखा देंगे हम अतिथि का है। जब कलम चला सकते हैं तो लाठियां खाने के सिला में ताकत भी रखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अतिथि शिक्षक जो है काफी आक्रोश में है और मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में है, हम तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे के लेकर के ये लोग भी पहुंचे हैं पटना, लेकिन तस्वीर जो है देख सकते हैं कि काफी भयावह है। ये लोग जो है नीतीश कुमार से मिलने के लिए भी गए, लेकिन वहां पे ये लोग पर जो है लाठी डंडे की जो है बौछार किया गया। और देखिए रोजगार की मतलब नीतीश सरकार, एक महिलाएं हैं। मैडम आप रो क्यों रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं सर? रू इसलिए रहे हैं कि अभी वक्त था हम लोग को क्लास में रहने का और आज हम लोग रोड पे खड़े हैं। ये लेटर में साफ लिखा हुआ है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं थी तो 6 महीना में ही निकाल देते, 1 साल में ही निकाल देते, 6 साल बाद क्यों निकाल रहे हैं? 7 साल आज हो जाएगा कुछ दिन के, 1 महीना बाद, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत नहीं थी तो क्यों रखे थे, रखते ही नहीं, 6 महीना में निकाल देते वो ठीक था, आज 6 साल से ऊपर हो गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ओवर एज हो चुका है। देखिए तो लगातार जो है आंसू आंख से आ रही है, महिलाएं हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर निकालना होता तो साल भर 6 महीना पहले निकाल देते, 6 साल पर निकालने के मतलब क्या हुआ, हम लोग अब जाएंगे कहाँ, हम लोग का एज भी खत्म हो चुका है। लेकिन
नीतीश कुमार जो है एक तरफ बड़े से बैनर पोस्टर से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गाड़ियां जो है ये पूरी तरह से प्रचार में दौड़ेगी और कहा जा रहा है कि रोजगार का मतलब नीतीश सरकार, क्या रोजगार का मतलब क्या होता है और बताइए जो है ये क्या है रोजगार मतलब रोजगार का मतलब है नीतीश कुमार हम लोग रोड पर आ गए तो रोजगार का मतलब बेरोजगार हो गया, हम लोग रोजगार देकर बेरोजगार कर दिया गया जो कि 2018 से कार्यरत है, अब बाहर वाले को रोजगार दिया रहा है और बिहार वाले को बाहर कर दिया गया, ये कैसा जो है बाहर कर दिया जा रहा है। हाँ, बाहर अब जो है ये लोग का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग का अगर लेटर निरस्त नहीं किया जाए, फिर से ज्वाइनिंग नहीं किया जाए तो हम लोग सीधे रोड पर आ चुके हैं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।